दोस्तों आप लोग काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि मध्य प्रदेश सिविल जज 2023 कब तक हो सकता है, यानी मध्य प्रदेश सिविल जज 2023 की वैकेंसी कब तक आ सकती है, एमपी सिविल जज मेंस का रिजल्ट कब आ सकता है जिसका एग्जाम 27th और 28th अगस्त को हुआ था। तो हम लोग इन क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 का मेंस रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 का प्रीलिम्स हुआ था 6 मई को, यानी दोस्तों 6 मई को प्रीलिम्स हुआ था, फिर 27 और 28 अगस्त को मेंस हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि इनका मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों ये मेंस हुआ था ये अगस्त के लास्ट में हुआ था, यानी आपका सितंबर और अक्टूबर में रिजल्ट आने के चांसेस काफ़ी कम है, यानी आपका रिजल्ट आएगा नवंबर में। तो आपका जो मेंस का रिजल्ट आएगा कब आएगा, आपका एक्सपेक्टेड है नवंबर में। अगर सब सही रहा तो आपका अक्टूबर के लास्ट के पहले तो आपका रिजल्ट आना काफ़ी मुश्किल है, यानी आप नवंबर ही मान लीजिए, नवंबर में आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा एमपी सिविल जज मेंस का। नेक्स्ट है एमपी सिविल जज 2023 कब होगा, यानी दोस्तों एमपी सिविल जज 2023 की वैकेंसी कब आएंगी और एग्जाम कब होगा। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा 2022 वाले मेंस के रिजल्ट को और उसका इंटरव्यू कब तक चलेगा। तो नवंबर तक इसका रिजल्ट आएगा, यानी इनके इंटरव्यू जनवरी और फरवरी के लास्ट में भी हो सकते हैं, यानी फाइनल सिलेक्शन 2022 वालों का आपका मार्च तक भी जा सकता है। दोस्तों मार्च लास्ट तक जा सकता है, फरवरी और मार्च तक। तो दोस्तों जो आपका 2023 की जो वैकेंसी आएंगी वो आपकी इंटरव्यू पीरियड के टाइम पर ही आती हैं, यानी आपका यार तो इंटरव्यू चल रहा है और उसके रिजल्ट आने के बीच में आपकी वैकेंसी आने की संभावना रहती है। तो आप समझ लीजिए कि जो फरवरी और मार्च में भी आपके, मतलब फरवरी के लास्ट में और मार्च में आपके इंटरव्यू जा सकते हैं और इनका रिजल्ट, तो आपकी जो वैकेंसी आएंगी वो मार्च में आ सकती हैं। ये मुझे पर्सनल लग रहा है, आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी जल्दी आएगी, तो ये चांसेस बहुत कम हैं। मार्च के लास्ट में भी आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, यानी 2022 वाले कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन उनका मार्च तक में हो सकता है। तो मार्च के लास्ट में आपका वैकेंसी 2023 आ सकती हैं। अब मार्च के लास्ट में जब आपकी वैकेंसी आएंगी तो आपका एग्जाम होने की संभावना है दोस्तों वो है आपके अप्रैल में, संभावना कम है। तो आपकी मई में दोस्तों आपका एग्जाम हो सकता है, यानी एमपी सिविल जज 2023 एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड मई में हो सकता है। पहले काफ़ी ऐसे पूर्वानुमान लग रहे थे कि आपका जो एग्ज़ाम है एमपी सिविल जज 2023 का वो मार्च में हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको प्रिपरेशन मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम और लग सकता है क्योंकि मेंस अभी अगस्त में हुआ है और सितंबर में रिजल्ट आने की संभावना काफ़ी कम है और अक्टूबर में भी, यानी 20 अक्टूबर के पहले तो काफ़ी संभावना कम है, यानी आपका रिजल्ट लगभग आप मान लीजिए कि नवंबर में आएगा। तो नवंबर में रिजल्ट आएगा, फिर उसमें कुछ टाइम लगता है इंटरव्यू में, यानी इंटरव्यू का फॉर्म फिलिंग करने में कुछ टाइम दिया जाता है, फिर इंटरव्यू होते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर उसके रिजल्ट आने इस बार क्लियर नहीं है, रिजल्ट आने के भी 15-20 दिन बाद आपकी वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है। सो आप ये मान के चलिए कि आप अगर मार्च अप्रैल में भी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका मई में दोस्तों आपका एमपी सिविल जज एग्ज़ाम होने की संभावना है और हो सकता है। अब तीसरी बात है कि क्या बात आपको पता होना चाहिए या क्या बात आपको जानना चाहिए अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि 2021 वाला जो पेपर था एमपी सिविल जज का दोस्तों वो काफ़ी टफ पेपर था। कुछ लोग तो बोलते हैं अभी तक का एमपी सिविल जज का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। सो 2021 वाला पेपर टफ था, 2022 वाला पेपर उससे ईजी था। 2022 वाले जो पेपर में जो कट ऑफ गई थी अभी देखेंगे हम लोग, यानी इस बार जिसका भी मेंस हुआ 125 मार्क्स, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं अनरिजर्व की। तो उससे हमें क्या जानना है अभी बात करेंगे हम लोग। सो 2023 में आपको डिटेल्ड में पढ़ाई करना है क्योंकि इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा टफ हो सकता है कट ऑफ कम रहने के कारण। ये मेरा पर्सनल मानना है कि इस बार आपका पेपर थोड़ा टफ आ सकता है, यानी आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार के पेपर में भी पूछे गए लेकिन पिछली बार यानी 2021 का हुआ था उससे थोड़े ईजी क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार आपके पेपर में दोस्तों टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर आप प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल प्रिपेरेशन करिए क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फरवरी मार्च में या जनवरी में आपका प्रीलिम्स होगा एमपी सिविल जज का तो इसकी संभावना कम है, मार्च तक तो बिल्कुल नहीं है और अप्रैल और मई भी हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दोस्तों आपको क्या करना है कि 2023 में आपसे जो क्वेश्चन होंगे एमपी सिविल जज में वो सीधे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, यानी डायरेक्ट सेक्शन बेस देख कि होस्टाइल विटनेस कहाँ पे है, लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। तो आपसे आपको डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ना है, डिटेल में आपको तैयारी करनी है, कंसेप्चुअल आपको स्टडी करना है क्योंकि इसका फ़ायदा आप दोस्तों मेंस में भी ले लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें अभी काफ़ी आपको टाइम है तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है और आप स्टडी 16 से जुड़े रहिए। इसमें हम लोग 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं 2022 की कट ऑफ क्या थी, इससे हमें आइडिया लग जाएगा 150 मार्क्स में से दोस्तों ये कट ऑफ है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं रहती है।
एमपी सिविल जज होता है दोस्तों 150 मार्क्स का होता है, इसमें कोई माइनस मार्क नहीं होती है। अनरिजर्व की कट ऑफ थी 125 मार्क्स, ओबीसी की 108 मार्क्स, एससी की 94 मार्क्स और एसटी की 83 मार्क्स, यानी 150 में से 125 नंबर अनरिजर्व के आए तो आपको मेंस देने को मिलेगा, यानी ये पिछली बार की बात है। तो दोस्तों इस बार क्या हो सकता है, आपको नंबर डायरेक्टली नहीं देखना है, बस एक आइडिया लगा लेना है कि 125 पे गई। लेकिन दोस्तों कई बार ये होता है कि पेपर टफ आ जाता है, यानी इससे पहले जो 2021 में हुआ था तो पेपर टफ आया था तो कट ऑफ कम गई थी। इस बार आपका दोस्तों पेपर कंसेप्चुअल पेपर आने की संभावना है, ठीक है। तो आपको लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि आपको हमेशा मार्च मान के तैयारी करनी है, क्योंकि आपको टारगेट जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि जितना आपके पास कम टाइम रहेगा उतना आपका जो माइंड है वो अलर्ट रहेगा और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आप पहले से जान लेंगे कि अप्रैल और मतलब मई में एग्जाम है तो आप फिर प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको प्रिपरेशन यही मानकर करना है कि आपका फरवरी और मार्च में एग्जाम है और आपको कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि फरवरी मार्च में तो एग्जाम है तो आप उसको जल्दी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आराम से आप प्रिपरेशन करिए, कंसेप्चुअल वे में पढ़िए और डिटेल में क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इस बार का पेपर का आपका लेवल थोड़ा सा अच्छा रह सकता है पिछली बार की तुलना में। यानी आप 2021 वाले पेपर को अच्छे से एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और स्टडी 16 से जुड़े रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।